यस स्टूडेंट्स, सो हम एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट देख रहे थे. तो ये क्या है? समटाइम्स द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज प्रीसीडेड और फॉलोड बाय अ क्वालिफाइंग वर्ड सच एज नाउन और एन एडजेक्टिव. जो जो प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में वो कई बार ही फॉलो होता है या फिर प्रिसीड होता है, ठीक है, किससे? एक नाउन या फिर एक एडजेक्टिव से. तो ये करते क्या है, ये और मीनिंग देते हैं और उसको इलैबोरेट करते हैं. किसको? प्रेडिकेट को, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो रिच लैंडलॉर्ड डोनेटेड जेनरसली एट द टेम्पल. तो रिच लैंडलॉर्ड क्या हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और डोनेटेड जेनरसली एट द टेम्पल क्या हुआ, हमारा प्रेडिकेट, राइट. सेम वे अनस फेल्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन. तो अनस यहाँ पे क्या हुए, अनस हुए हमारे सब्जेक्ट, और फेल्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट. क्लियर स्टूडेंट्स? यस, ओके. सो दिस इज पी आर ई डी, ओके स्टूडेंट्स. यस, प्रेडिकेट प्रेडिकेट एंड दिस इज सब्जेक्ट, ओके. यस, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट, ठीक है. ऑब्जेक्ट और क्या, कॉम्प्लीमेंट किसका, प्रेडिकेट का. सो व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज ट्रांजिटिव, व्हाट, जब वर्ब प्रेडिकेट में जो है वो ट्रांजिटिव है, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. लुक एट द गिवन सेंटेंसेस. तो अच्छा आप बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है? जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, एंड द इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट द मीनिंग और टू कन्वे द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ओके. तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है तो उसको जरूरत पड़ेगी ना एक ऑब्जेक्ट की, है ना. मतलब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट, मतलब जो अगर वर्ब जो यूज हुआ वो ट्रांजिटिव हुआ तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसको अपना एक मीनिंग कन्वे करने के लिए. जैसे एग्जाम्पल क्या है, आई नो हर. जैसे आई नो, मैं जानता हूँ किसे, उसे. तो हर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है. मतलब आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, और नो हर क्या हुआ, प्रेडिकेट, और इस नो में नो क्या हुआ, हमारा वर्ब. सो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस वन आई, आई इज द सब्जेक्ट, नो इज द वर्ब एंड हर इज ऑब्जेक्ट. और ये नो हर पूरा क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्रेडिकेट. क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स? यस. नेक्स्ट वन, ही हेल्प्ड मी इन स्टडीज. और हाँ, यहाँ पे हर क्यों आया, बिकॉज जो नो है वो क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, एक सेंस अपना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. सो ही हेल्प्ड मी इन स्टडीज, क्या है, ही हेल्प्ड मी इन स्टडीज, उसने मेरी पढ़ाई में मदद की, ठीक है. सो ही क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, ही के बारे में, है ना. उसी ने तो मदद की, तो किसने मदद की, ही ने मदद की, मतलब उसने मदद की, तो सब्जेक्ट. हेल्प्ड मी इन स्टडीज क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आई एम सॉरी, हेल्प मी इन स्टडीज क्या हुआ हमारा, प्रेडिकेट, ओके. यस, हेल्प मी इन स्टडीज क्या हुआ, प्रेडिकेट. अब इस हेल्प्ड मी इन स्टडीज में मी किसको हेल्प किया, किसको हेल्प किया, ही ने किसको हेल्प किया, मी. मतलब देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम होता है, और वर्ब क्या होता है, जो काम होता है. समझे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है. सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. वर्ब क्या होता है, कि जो काम किया जाता है, जो काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब. फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम किया जाता है, क्या, जिसके ऊपर काम किया जाता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट. समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके. क्लियर स्टूडेंट्स? यस. सो वेयर एज इफ द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज इनट्रांजिटिव, और जब वर्ब क्या हो, जो वर्ब हो प्रेडिकेट में वो क्या हो, इनट्रांजिटिव हो, ठीक है, तो इट डज नॉट हैव नीड एनी ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट, इट डजेंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, ओके. हैव यू कैन कैंसिल, इट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो अगर वर्ब जो हुआ प्रेडिकेट में वो क्या हो, इनट्रांजिटिव हो, तो उसको किसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तभी तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है. बट इट इज़ कम्प्लीट इन इटसेल्फ, वो अपने आप में ही पूरा है. अगर वो अपने आप ही में ही पूरा है, उसने ऐसे ही मीनिंग पूरी कन्वे कर दी, तो उसको ज़रूरत ही क्या है ऑब्जेक्ट की, राइट. सो हाउ एवर इफ द स्पीकर वॉन्ट्स टू फर्दर क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ द
I'm turning the page, okay? Yes. Of the intransitive verb of the predicate, he may use a complement, ठीक है? अगर उसको further ज़रूरत है, अगर वो चाहता है, reader या जिसने भी वो sentence लिखा है, कि और भी further कुछ clarification दिया जाए, तो वो क्या use कर सकता है? Complement use कर सकता है. क्या use कर सकता है? Complement. But sometimes, even the intransitive verb of the predicate, लेकिन कभी कभार जो intransitive verb होता है predicate का, needs an additional word. ठीक है, जो इनट्रांजिटिव वर्ब है प्रेडिकेट का, उसको एक एक और वर्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है, वर्ब, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी उसको एक और एडिशनल, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ओके, यस. सो सच एडिशनल वर्ब इज कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. तो ऐसा इनकम्प्लीट वर्ब जिसको अपना मतलब पूरा करने के लिए एक और वर्ब की जरूरत पड़े, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसे वर्ब को हम कहेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ठीक है, यस. सो वॉट इज अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन? यू कैन अंडरलाइन, यू कैन राइट द इनट्रांजिटिव वर्ब, यहां से अंडरलाइन करना है. ठीक है, द इनट्रांजिटिव वर्ब of the predicate, he may use a complement. ठीक है, ये तो आपका एक पार्ट हुआ. Sometimes, क्या यहां से अंडरलाइन करना है, sometimes even the intransitive verb of the predicate needs an additional word or verb to complete its meaning. Such additional verb is called the verb of incomplete predication. Okay, so ये है आपकी definition किसकी, incomplete वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की. क्या कि जो वर्ब, जो एक एडिशनल वर्ब यूज किया जाए उस वर्ब के द्वारा जो कि प्रेडिकेट में है, उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. ठीक है, सो हियर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. ओके, वी विल डू दिस एग्जाम्पल्स लेटर.